ये देख लो, वंदे भारत की करंट ऑपरेटिंग स्पीड अराउंड 160 किलोमीटर पर आवर। ये है इस ट्रेन का मजा। अरे भाई ये नया भैया भी फोटो ले रहे थे, वीडियो ले रहे थे। एग्जीक्यूटिव क्लास की चेयर का दोनों में ट्रैवल कर, एग्जीक्यूटिव समझ रहे हैं? शौक समझ रहे हो ना? आर्मी के टैंक्स को सोचिए ट्रेन पर लोड कर दिया। देखो वो जो आप देख रहे हो, दैट इज आर्मी स्पेशल कोच। कसी आहे पब्लिक, आज की डेट ऑफ जर्नी, दिस इज 21 अप्रैल। सुबह के बज रहे हैं अराउंड 5 o'clock और करंट लोकेशन अगर आप देखोगे निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन का, ये हो गया प्लेटफॉर्म नंबर 6। सबसे पहले आपको दिखा दूँ, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर खड़ी है, दिस इज यूपी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। आपने टाइटल देख लिया, थंबनेल देख लिया, आज आपके लिए एक और एक्सक्लूसिव वंदे भारत की जर्नी, और वो भी हो सकता है दिस इज़ द सैफ्रॉन वंदे भारत 22470, दिस इज़ खजुराहो वंदे भारत, जिसको आपको बताई है मुश्किल से 1 महीना हुआ है लॉन्च किए, तो आपके लिए एक और स्पेशल ट्रेन जर्नी बनती है। काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे भैया खजुराहो वंदे भारत दिखाइए, तो आज आपके लिए वर्चुअली उसका सफ़र शुरू करें। देखो यार ऐसे नहीं, आपको स्टाइल पता तो है, और सुबह सुबह वंदे भारत के लिए उठ के आना। यहाँ आप देख लीजिएगा प्लेटफॉर्म नंबर 7 हो चुका है खाली। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारी मिनी वंदे भारत को लगाया जाएगा और फिर यहाँ से आपके लिए एक और सफ़र शुरू करें। देखो यार आपको स्टाइल पता तो ऐसे नहीं, कमाओ थोड़ी सी स्माइल के साथ और एक लाइक के साथ इस वाले धमाकेदार ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज, बैक टू बैक सफ़रनामा चल रहा है, और जितनी वंदे भारत हैं कोशिश की जा रही है कि आपके सामने सब व्लॉग्स आएँ। पूरा व्लॉग देखिएगा, कॉस्ट्यूम वगैरह सब कुछ आपको विस्तार में बताया जाएगा। आपके सामने 22470, यस दिस इज़ द सैफ्रॉन ऑरेंज वंदे भारत। आप देख लीजिए 5:20 पर लगाया जा रहा है, 40 मिनट्स बिफोर द डिपार्चर C1 आगे की तरफ, बिकॉज आज मैं इसमें ट्रैवल कर रहा हूँ। पूरे कोचेज आप देख लीजिएगा, दिस इज़ आपको बता दूँ द ब्रांड न्यू वंदे भारत रहेगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग ईयर देखोगे दिस इज 23, बिल्कुल लेटेस्ट वंदे भारत आपके सामने, और एक और ऑरेंज कह लीजिए आप सैफ्रॉन वंदे भारत का सफ़र आपके सामने, मिनी वंदे भारत प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर निज़ामुद्दीन के ट्रेन अराइव होती है। चलिए एक और सफ़रनामा शुरू करते हैं, अपने को जाना पड़ेगा आगे। देखो सौम्या लगेज लेके जा रही है, बिल्कुल कोच क्या है बिल्कुल आगे की तरफ। सबसे पहले आपको बता दूँ ट्रैवल बुकिंग्स के लिए मैं यूज़ करता हूँ वीगो ऐप, जहाँ पर आप वर्ल्ड वाइड फ्लाइट्स, होटल्स एंड टिकट बुकिंग्स कर सकते हैं। ये है बेस्ट ट्रैवल ऐप, बिकॉज वीगो कंपेयर करता है हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स और आपके सामने लेकर आता है एकदम चीपेस्ट फेयर, चाहे वो होटल की बात करें चाहे वो फ्लाइट की बात करें। तो किस बात का इंतज़ार है, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तुरंत वीगो ऐप को डाउनलोड कीजिए। और हाँ, अगर आपके पास ऐप ऑलरेडी है अपडेट ज़रूर कीजिएगा, आपको मिलेंगे एक्साइटिंग फीचर्स प्लस IRCTC का ट्रेन टिकट बुकिंग का ऑप्शन। और अगर आप मेरी तरह लास्ट मिनट में टिकट बुकिंग करते हैं तो वीगो आपको प्रोवाइड करता है वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ट्रैवल लोडिंग ऐप। तो ट्रैवल कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए। दिल्ली से खजुराहो अगर आप देखोगे तो डिस्टेंस हम कवर करेंगे कुछ अराउंड 700 किलोमीटर्स। वंदे भारत की ड्यूरेशन ऑफ जर्नी 8 hours 30 minutes आप मान लीजिएगा, मेरे हिसाब से 5 या 6 ऑफिशियल स्टॉप, और आप देख सकते हो दिस इज़ द सैफ्रॉन वंदे भारत। बट एक नई चीज़ ये है, सबसे फर्स्ट टाइम, पता नहीं अब तक कितनी वंदे भारत की, बट दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम मैं C1 बिल्कुल आगे वाले कोच में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो आज ये एक नया एक्सपीरियंस होने वाला है। निज़ामुद्दीन का आप देख लीजिएगा, दिस इज़ द प्लेटफॉर्म नंबर 7 जो आपको बताई थी 22470। अभी तो खैर लगभग आधा घंटा है, पैसेंजर बोर्ड करते हुए खाना पीना बोर्ड किया जाएगा, क्या क्या खाना पीना सब होगा सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, फाइनली वंदे भारत की आज एक्सपीरियंस करने को मिलेगी स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर। तो कुर्सी की पेटी बांधे रखिए, चेहरे पे स्माइल बनाए रखिए और हमारे संग घूमते रहिए द #, देखो अपना देश। चलिए आप बताइए, वंदे भारत का सैफ्रॉन वंदे भारत की वाइट वंदे भारत, आपको कौन सी पसंद है ज़रा कमेंट करके बताइएगा। देश की राजधानी से हम चले मध्य प्रदेश, पूरा सफ़र देखिएगा मज़ा आएगा। देखो अभी तो यहाँ पर LP वगैरह सब कुछ, अभी तो LP साहब वगैरह आने बाकी, चलो टाइम लगेगा, अभी तो आधा घंटा है, पैसेंजर वगैरह टाइम लेंगे। कोशिश करते हैं आपको पूरी वंदे भारत का एक बार इंटीरियर और दिखा दूँ ज़रा, C1 का, वंदे भारत का C1 का आपके लिए छोटा सा इंटीरियर टूर। और अगर आप यहाँ भी देखोगे, देखो अनाउंसमेंट लेवल कितना हाई है, उम्मीद है आवाज़ क्लियर होगी। देखो ये C2 है, सबसे पहले आपको ये दिखा दूँ, दिस इज़ द नॉर्मल कोच जिसका आप देखोगे, जिसकी पैसेंजर कैपेसिटी चेयर कार की इट इज़ 78, बट बिकॉज C1 में वंदे भारत में अलग तरह से डिजाइंड है, तो इनकेस अगर आपके साथ ऐसा पैसेंजर है जिनको व्हील चेयर चाहिए, वो यहाँ पर उसके लिए स्पेशल बाथरूम वगैरह भी हो गया, प्लस यहाँ पर ये
आप व्हील चेयर पार्क भी कर सकते हो। तो ये C1 की यहाँ पर वंदे भारत में स्पेशलिटी है। नॉर्मल AC चेयर कार में आपको मिलेगा 78, इस वाली C1 में इसमें आपको मिलेगा 44। चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह सब कुछ हो गए। ज़रा कुछ पैसेंजर्स ऑलरेडी ऑन बोर्ड हैं, आप देख लीजिएगा 3x2 का कॉम्बिनेशन इसमें होता हुआ। और जो सीट हमको मिली है इस बार, यस दिस इज़ द 8 और 9। सौम्या जी, आर यू रेडी? यस, सीट नंबर 8 और 9 आप देख लीजिएगा। फर्स्ट क्लास आपको ये रेस्ट हो गया, लेग स्पेस वगैरह आप देखोगे ये लेग रेस्ट हो गया, प्लस चार्जिंग पॉइंट। यस, ये हर सीट पर आपको ये चार्जिंग पॉइंट मिलेंगे, प्लस ये आपके लिए सनशेड यहाँ पर हो गई। इंडियन रेलवेज वेलकम यू। एक छोटा सा इंटीरियर टूर मैं आपको दिखा रहा हूँ C1 का, और यहाँ पर ये आपको मिलेगी मिनी पेंट्री कार, ठीक है ना, जिसमें सब खाना पीना होता है। और आगे ये आपको यहाँ के द फ्रंट व्यू ये भी आपको दिखाएंगे, लोगों को नज़ारे आगे आपको दिखाएंगे, पूरा इंटीरियर C1 का आपके लिए। बट कलर देखिए, आप क्या कहना चाहेंगे, कलर देखिए, कलर कॉम्बिनेशन कितना मस्त दिया गया है। सैफ्रॉन आप कह लीजिए प्लस ब्लैक, थोड़ा बहुत कलर मस्त लगता है। खजुराहो वंदे भारत जिसको ऑपरेट किया जाता है बाय नॉर्दर्न रेलवेज, अगर आप इसमें ट्रैवल प्लान बना रहे हैं, ज़रा मैं आपको टाइमिंग्स और बता दूं। निज़ामुद्दीन से हम चलेंगे सुबह 6 बजे और ये पहुंचेगी खजुराहो 2 बजे के आसपास, वहां से चलती है ये 3 बजे और आप 11:30 रात को पहुंचेंगे यहां पर निज़ामुद्दीन दिल्ली वापस। सोचिए लगभग 8.5 घंटे की जर्नी, और इस ट्रेन को एवरी डे चलाना, इट रन्स एवरी डे एक्सेप्ट मंडेज। मैंने आज की बुकिंग देखी थी, पूरी चेयर कार फुल, एग्जीक्यूटिव में कुछ 10-15 सीट अभी भी करंट में बाकी हैं, तो ऑक्यूपेंसी मेरे हिसाब से बढ़िया चल रही है। बट अगर आप खजुराहो घूमने जा रहे हो, ट्रैवल प्लान बना रहे हो, प्लीज़ मैं तो आपसे यही कहूँगा कि पहले ही वंदे भारत में बुकिंग कर लीजिएगा। टाइमिंग आपको और दिखा दूँ यहाँ पर, दिस इज़ 5:40। यस, LP साहब आ चुके हैं, 20 मिनट्स टू गो। चलिए डिपार्चर आपको दिखाएंगे और पूरी आज रफ्तार दिखाएंगे, बिकॉज हम जाने वाले हैं द हाईएस्ट स्पीड। आप देख लीजिएगा सैफ्रॉन वंदे भारत पूरी तरह से मेक इन इंडिया के तहत बनी हुई, और मिनी वंदे भारत जिसमें आपको मिलते हैं और टेक्निकल फीचर्स। देखो आगे मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज पीछे अनाउंसमेंट का वॉल्यूम देख रहे हो, सच में यार, अगर रेलवे से कोई ये देख रहा है प्लीज़ इसका अनाउंसमेंट का कुछ करो यार। न्यू दिल्ली पे भी यही हाल है, निज़ामुद्दीन पे भी यही हाल है, लिटरली वॉल्यूम कानों में ना। बस स्टेशन पर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं स्टेशन पर साफ़ सफाई बनाए रखें। चलिए एक और जर्नी की शुरुआत करते हैं। यस, गेट्स हो चुके हैं, ऑटोमेटिक गेट्स हो चुके हैं लॉक। चलिए एक और सफ़र की शुरुआत करते हैं, बिल्कुल राइट टाइम, आप देख लीजिएगा राइट टाइम वंदे भारत का डिपार्चर होता हुआ। कोच कंपोजिशन आपको बता दूँ, 8 कोचेस, 7 हो गए चेयर कार, 1 हो गया एग्जीक्यूटिव। मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड आपको बताई दिया 160, आई गेस एवरेज कुछ जाएगी 80 के आसपास। चलिए सफ़र की शुरुआत करिए दोस्तों, आपके लिए देर सारा एंटरटेनमेंट। कैसे लगी वंदे भारत आपको, कैसी लगी? हाँ, बाहर का कलर कैसा लगा, सैफ्रॉन कलर? मज़ा आया ना, मज़ा, ज़बरदस्त ट्रेन है ना। अरे भाई ये नया भैया भी फोटो ले रहे थे, वीडियो ले रहे थे। मैंने कहा अभी तो देखिएगा, अभी तो जब स्पीड पकड़ेगी ना तब देखिएगा क्या मज़ा आएगा। ट्रेन एक नंबर है। ये देखो यहाँ से चलिए रवाना होने के लिए तैयार है ना, आपको बताई दिया 8 कोचेस, चेयर कार वगैरह हो गया, एवरेज ऑपरेटिंग स्पीड बताई दी। बस स्टेशन पर दोस्तों साफ सफाई बनाए रखें, या ट्रेन में मच्छर कुछ करना पड़ेगा, ट्रेन में पता नहीं मच्छर कुछ ज्यादा ही है यार। ये देखिए, और यही है जब भी वंदे भारत की जर्नी होती है ना, एक्साइटमेंट ही कुछ अलग रहता है। सफ़र की शुरुआत हो चुकी है और ना जाने कितने टाइम बाद वंदे भारत में अब ट्रैवल करके आ रहा है मज़ा। करंट ऑपरेटिंग स्पीड अराउंड 160 किलोमीटर्स पर आर, और आप एक्सेलरेशन देखो क्या रोकता है। हाँ, रोक लेता है,
10 सेकंड में रोकता है, 10 सेकंड में स्पीड कम। यहाँ पर आप सुबह का सनराइज़ देख सकते हो, चाय कॉफ़ी वगैरह यहाँ पर चाय कॉफ़ी दी गई है, एकदम इलायची चाय। सो मैं चाय कैसे चाय जबान ये देखो, ये देखो देखो 15 सेकंड में 160 से सीधा ये ले आया 90 पे। सिंपल सी बात है, न्यूज़पेपर हो गया, पानी की बॉटल आपको दी गई है, C1 में अब तक सफ़र चलता हुआ। अब ये बताओ एग्जीक्यूटिव क्लास की चेयर का दोनों में ट्रैवल कर एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव समझ रहे शौक शौक समझ रहे हो ना चाय एंजॉय करो शौक लगवाए। आप ये नज़ारे देखिए, ना जाने कितने स्टेशन अब स्किप होंगे। अभी देखो एक और स्टेशन यहाँ पर आने दीजिए, कौन सा स्किप होगा, पलवल, पर सामने से क्रॉस होगी गोली की तरह भोपाल वंदे भारत क्रॉसिंग। क्या मैं आपको दिखा सकता हूँ, आज सबसे बड़ा चैलेंज ये देखो, अब एक्सेलरेशन देखो भाई साहब, 15 सेकंड में क्या स्पीड पकड़ता है यार, ये है वंदे भारत का कमाल, मजा। बिल्कुल राइट टाइम वंदे भारत चलते हुए, इट इज लगभग 7:15, और अगर आपको ये दिखाऊं, अब यहाँ पर हम क्रॉस करने जा रहे हैं मथुरा जंक्शन, दैट इज MTJ, श्री कृष्ण जन्मभूमि प्लस मेरी जन्मभूमि। मेरा जन्म कहाँ हुआ, मथुरा, मथुरा के पेड़े हो गए, मथुरा की कचौड़ी हो गई, जितनी बात करें उतनी कम। मेन लाइन से निकाला जा रहा है, आप देखिएगा मथुरा जंक्शन, और आप बता दूँ अब तक हम हैं मुंबई दिल्ली मेन लाइन, यानी कि वेस्टर्न लाइन आप कह लीजिए। अब यहाँ से हमारी लाइन को कट किया जाएगा, अब हमको डाला जाएगा आगरा वाली सेंट्रल लाइन पर, मथुरा का ये हो गया प्लेटफॉर्म नंबर 1। भाई साहब यहाँ की तो इतनी यादें हैं मेरी मथुरा की कि पूछिए मत। देखो MTJ लगभग फुल स्पीड में यहाँ पर क्रॉस होता हुआ आप देखोगे, यहाँ की तो आपको बताइए ना, मथुरा की मेरी इतनी यादें हैं। मैंने कहा आपको चलिए ये वाली मथुरा की क्रॉसिंग ज़रूर दिखाई जाए, एक बार मेरे साथ बोल दीजिए राधे राधे मथुरा वृंदावन गोवर्धन, मेरा बचपन यहाँ बीता। उत्तर प्रदेश की फोर्थ मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी द ताज सिटी आगरा में आपका स्वागत है, वंदे भारत बिल्कुल राइट टाइम, और इंडिया की 23rd मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी जो लोकेटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना। आए हम थे नॉर्दर्न रेलवे जोन, अब हम आ गए नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन। 6 प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे, वंदे भारत को लगाया गया है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, बिकॉज ऑटोमेटिक डोर्स हैं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कुछ पैसेंजर यहाँ पर उतरते हुए और कुछ बोर्ड करते हुए, आगरा आपको पता ही है द ताज सिटी ताजमहल, 8 मिलियन पैसेंजर्स एनुअली, आगरा के पेठे हो गए, चॉकलेट पेठे तो आपको पता ही है, दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। सिग्नल आई गेस सिग्नल अभी रेड है, तो गेट का फिलहाल कोई अपने को टेंशन नहीं, सिर्फ 5 मिनट का हॉल्ट यहाँ पर दिया गया है, और देखो स्टेशन पर साफ सफाई चलती हुई। मैंने आपसे कहा ना, ये हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाहर के नज़ारे में कोशिश कर रहा हूँ, और ये मानिए जब ट्रेन क्रॉस होती है ना, जय हिंद सर जय हिंद। देखो ये कमाल है इंडियन रेलवेज का, आर्मी के टैंक्स को सोचिए ट्रेन पर लोड कर दिया। देखो वो जो आप देख रहे हो, दैट इज़ आर्मी स्पेशल कोच, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आर्मी के ही लोग अलाउड हैं, उसमें नॉर्मल पैसेंजर जर्नी नहीं कर सकते। देखो ये है कमाल रेलवे का, आप देख रहे हो इतना भारी टैंक, सोचो ट्रेन पर ही लोड कर देगा, वाह। हमारे सब जवानों के लिए दोस्त एक लाइक बनता समझे। चलो येलो सिग्नल स्टार्टअप सिग्नल दे दिया गया है, दरवाजे बंद होने वाले हैं वंदे भारत के, आप देख लीजिए कोड हो गया AGC, लोकेटेड है कुछ अराउंड 175 मीटर्स अबव द सी लेवल। सबसे अच्छी बात है पैसेंजर बोर्ड कर रहे हैं, और पूरी ट्रेन जा रही है लगभग फुल। यहाँ से आगरा से कौन कौन ये ब्लॉग देख रहा है ज़रा बताइएगा, और आगरा की मेट्रो ध्यान रखिए ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, उसका ब्लॉग चैनल पर लाइव है इन केस अगर आपने नहीं देखा है। चलिए दरवाजे अब बंद किए जाएंगे, यस गुड टू गो, थोड़ा सा इंतज़ार हो, 5 मिनट्स का हॉल्ट है ना। चलिए सफ़र की एक बार फिर से शुरुआत हो चुकी है, एक और अब स्टेशन ही देखिएगा स्किप होने वाला है,
ना जाने कितने स्टेशंस स्किप होंगे, ये देख लीजिएगा। करंट ऑपरेटिंग स्पीड अराउंड 130 किलोमीटर पर आवर, और अब यहाँ पर ब्रेकफास्ट फर्स्ट क्लास सर्व किया गया है। वेज में देख लीजिएगा, ये पोहा हो गया, प्लस ये कटलेट, ये मफिन दिया गया है, ये कर्ड हो गया, इसके संग आपको ये केचप भी दी गई है। बट सरप्राइजिंगली कटलेट है और इसमें ब्रेड नहीं दी गई है। वेज में आप देख लीजिएगा ये है, और नॉन वेज में आपको यहाँ पर मिलेगा ऑमलेट। अगर आप ऑमलेट लोगे समय तो उसमें ब्रेड है, बट ये सरप्राइजिंग है, हमने कहा दे दो भैया, बट ठीक है देखते हैं। वेज कटलेट में आपको यहाँ ब्रेड नहीं दी जा रही, खैर कोई बात नहीं। बट जितना भी खाना पीना आप देख रहे हो, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, सब कुछ हमारी टिकट में इंक्लूडेड। बाहर कुछ ज़बरदस्त, आप देखिए थोड़ी सनराइज़ तो नहीं मैं कहूँगा, धूप है ज़बरदस्त। और यहाँ देखिएगा आप, एकदम स्वादिष्ट हमारा ब्रेकफास्ट सर्व किया गया है। ये देख लीजिएगा, C1 में फर्स्ट टाइम मैंने आपसे खाना, C1 में फर्स्ट टाइम मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। चलिए ज़रा टेस्ट करके बताते हैं कि हमारा फूड आज का कैसा है। सामने से कोई ट्रेन क्रॉस होती है, हम होते हैं 160 पे, गोली की तरह सामने से ट्रेन। ज़रा समय टेस्ट करके बताओ कैसा है। वंदे भारत का खाना पीना, कॉस्टिंग आपको बता दें, दिल्ली से खजुराहो चेयर कार का अराउंड 1600 और एग्जीक्यूटिव का हो गया 3000। ये जो आप प्रेजेंटेशन देख रहे हो, खाना पीना देख रहे हो, एग्जीक्यूटिव में आपको अलग मिलेगा, वहाँ कॉर्नफ्लेक्स वगैरह मिलता है, और चेयर कार में सब कुछ अलग। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हम ये वाली जर्नी पूरी नहीं कर रहे, काफ़ी लोग कहेंगे भैया खजुराहो तक जाइए, तो क्या फिलहाल घूम के आइए, फिलहाल कुछ काम है, कटलेट वगैरह समझ रहे टेस्ट करो, तो हम जा रहे हैं सिर्फ झांसी तक। पूरा ब्लॉग देखते जाइए हमारे संग, हाँ समझते ना। और यार कम से कम ब्रेड तो दे देते यार, ब्रेड भी नहीं दी यार, कोई बात नहीं। बस देख लो यार, सफ़रनामा चलता हुआ आगे, और बिकॉज मैं हूँ C1 में बिल्कुल आगे वाली कोच में, कंटिन्यूस हॉन्किंग अगर आपको सुनाई, कंटिन्यूस हॉन्किंग अगर आपको सुनाई दे रही हो, सच में अगर आपको ट्रेन जर्नीज पसंद है ना, वंदे भारत की 160 की स्पीड और ये कंटिन्यूस हॉन्किंग और ये आपके नज़ारे, बस भाई ज़िंदगी में और क्या चाहिए। हो गया आज का ब्रेकफास्ट, ज़िंदगी में थोड़ी सी ब्रेड चाहिए, ब्रेड की कमी है, ब्रेड की कमी है। ब्रेकफास्ट ऑन मील्स ऑन व्हील्स। द हार्ट ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश, दिस इज ग्वालियर, कोड हो गया GWL, ऑफिशियल टाइम है 9:10 का, हम आए हैं 5 मिनट्स बिफोर, 5 मिनट का स्टॉप, तो लगभग अब वंदे भारत यहाँ रुकेगी आप मान लीजिए 10 मिनट। लगभग कितने पैसेंजर्स एवरी डे, अराउंड 50,000। आपके लिए छोटा सा होमवर्क, मध्य प्रदेश में चलिए कितने डिस्ट्रिक्ट हैं ज़रा कमेंट करके अपना जवाब बताइएगा ज़रूर। बस वंदे भारत का सफ़र चलता हुआ, साथ में RPF के जवान भी चलते हुए, उनके लिए एक लाइक बनता ज़रूर है। और यही है, सोचो वंदे भारत का क्या ज़बरदस्त सफ़र चलता है। एरिया वाइज आपको बता दूँ, मध्य प्रदेश दिस इज़ 2nd नंबर का स्टेट, पॉपुलेशन वाइज अगर आप देखोगे तो दिस इज़ 5th नंबर का स्टेट, और यहाँ तो जितनी बात की जाए उतना कम। ग्वालियर आपको बताइए, पहले भी मैं कई बार आ चुका हूँ, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि MP में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। C1 देखो, यहाँ ग्वालियर आपको बता दूँ, कंस्ट्रक्शन का काम अगर आप देखोगे ना, पूरा रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का। एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी बताई जा रही है, कुछ 250 CR। अब लेट्स सी स्टेशन कब बन के तैयार होगा। 10 मिनट ट्रेन रुकेगी यहाँ, कोई भी ऑटोमेटिक गेट का अपने को कोई भी टेंशन नहीं। बट देखो यहाँ वॉक करने की खाली आपके पास इतनी ही जगह है, और ये हो गया, दिस इज़ चेन्नई दिल्ली मेन लाइन पर आपको यहाँ मिलेगा स्टेशन, आई गेस 5 प्लेटफॉर्म। हम आए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। बिल्कुल राइट टाइम, दिस इज़ 10:30 और हम पहुँचे, आप देख लीजिए झांसी, बीच में आया मध्य प्रदेश। और किस्मत कभी कभी इतनी ख़राब होती है कि मैं आपको वो क्रॉसिंग दिखाई नहीं पाया, कभी कभी। खैर कोई बात नहीं, अब यहाँ पर लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर देख लीजिए यहाँ पर चेंज किया जाएगा, प्लस इस वाली वंदे भारत का लंच बोर्ड किया जाएगा। बट लंच हमको करने को मिलेगा नहीं, देखो बिकॉज ऑफ सम रीजंस हम कुछ काम से झांसी आए हैं, और आज का सफ़र हमारा सिर्फ 2470 का यहीं तक। कैसा रहा सफ़र? एक नंबर।
जर्नी करके मज़ा आया ना। चलिए अब थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे और फिर कहीं और, ठीक है ना। बस रिक्वेस्ट यही है कि स्टेशन पर साफ़ सफाई बनाए रखें। अगर आप देखोगे लगभग 5 मिनट का आपको यहाँ पर स्टॉप दिया गया है झांसी के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। आपको मिलेंगे कुछ 6 प्लेटफॉर्म्स और उत्तर प्रदेश का टूरिज्म का टैगलाइन अगर आपको पता है ज़रा बताइएगा, ठीक है सौम्या जी। यूपी टूरिज्म का, दिस इज डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम सर व्लॉगिंग। सर देख रहे हैं हमको क्या। चलिए कोई, ठीक है, आसपास साफ सफाई बनाए रखें और देखते रहिए हमारे संग 200 जर्नी। सौम्या जी सफरनामा कैसा रहा? रेडी फॉर वन मोर जर्नी? ठीक है, बस यहाँ पर ड्यूटीज चेंज हो रही हैं, आपको दिखा दूँ। एलपी साहब यहाँ पर सब चेंज होते हुए मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। ये खजुराहो पहुँचेगी 2:30 बजे के आसपास, 2:30 बजे। इसके बाद आएगा ललितपुर, जहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप और इसका रिवर्सल होगा। अब तक ट्रेन यूँ जा रही है, ललितपुर पर ट्रेन जाएगी इस डायरेक्शन में, 10 मिनट का स्टॉप। ठीक है, देखो पूरी जर्नी कभी कोशिश करेंगे इन फ्यूचर। टाटा, टेक केयर।